Hello guys, so today in this video we will review one of the best private engineering college, which is BP Poddar Institute of Management and Technology, which was established in the year 1999. And this college was initially affiliated to the University of Kalyani in the year 1999, and later on the year 2001, as per the instruction of Government of West Bengal, the institute was affiliated to West Bengal University of Technology, which is also known as a MAKAOT, yani Maulana Abul Kalam Azad University of Technology. And this college also approved by AICT, All India Council for Technical Education, and this college also accredited by NBA, yani National Board of Accreditation. And is college mein aapko National Assessment Accreditation Council yani NAC और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो नाउ कमिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज, तो कॉलेज में आपको 27 क्लासरूम देखने को मिलेगा, 18 ई क्लासरूम देखने को मिलेगा, 45,401 लाइब्रेरीज में बुक्स देखने को मिलेगा, वर्कशॉप भी है, एंड लैब आपको 47 देखने को मिलेगा, 92 कॉमन कंप्यूटर देखने को मिलेगा, इंडोर एंड आउटडोर दोनों ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिलेगा, 100 आपके बॉयज हॉस्टल में कैपेसिटी है एंड 60 आपको गर्ल्स हॉस्टल में कैपेसिटी है, एंड गर्ल्स के लिए एक कॉमन रूम है एंड बॉयज के लिए एक कॉमन रूम आप लोग देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करूं तो बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है। सो कॉलेज का मेन कैंपस VIP रोड कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलेगा। सो इस कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज देखने को मिलेगा चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट है BTech, सेकेंड है MTech, MCA और अनदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है वो है BBA और BCA, ठीक है। तो सबके बारे में इन डिटेल्स में बात करेंगे, डोंट वरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स विच इज BTech, ओके। तो BTech में आपको चार ब्रांच देखने को मिलेगा, फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस में 180 इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलेगा, ECE में 120, इलेक्ट्रिकल में 30 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 120, और सभी जो ब्रांच हो NBA एक्रीगेटेड है। सो अगर किसी कॉलेज में किसी ब्रांच में NBA एक्रीगेट देखने को मिलता है तो आप लोग सोच लेना उस ब्रांच में अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है, इसीलिए NBA एक्रीगेटेड मिलता है, ओके। और NBA एक्रीगेट अगर हो जाता है तो उस केस में कॉलेज का जो सीट है वो बढ़ सकता है, जैसे कि पहले होता है 30, 60, उसके बाद 180, 100, देन 280 लास्ट, तो अपने तरीके से वो बढ़ा सकता है, जैसे जैसे उसका NBA का ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे उनका जो टोटल इंटेक कैपेसिटी है सीट का वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा होता है, दैट्स वाई ये NBA एग्रीगेटेड मिलता है, ओके। तो अगर आप लोग BTech में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन होगा, फर्स्ट है WBJEE में अच्छा खासा रैंक करके आप काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हो, सेकंड JEE मेंस के थ्रू जा सकते हो, 10% सीट अवेलेबल होता है, और लास्ट आप मैनेजमेंट कोटा डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो इस कॉलेज में। तो डायरेक्ट एडमिशन में थोड़ा बहुत आपको डोनेशन देखने को मिलेगा या फिर किसी ब्रांच में देखने को नहीं मिलेगा, आपका प्रॉपर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा जो आपका एक्चुअल फीस स्ट्रक्चर है। और इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैसा है वो भी बात करेंगे थोड़ी देर में, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कोर्स व्हिच इज BBA एंड BCA, तो BBA आपको बिजनेस एनालिटिक्स और BCA देखने को मिलेगा 3 इयर्स का, तो ये अनदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो अभी लागू हुआ है। सो इस कॉलेज में अगर BBA और BCA में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सेट का एग्जाम देना पड़ेगा जो मकआउट कंडक्ट कराता है, सेट में आपका रैंक कार्ड आएगा तभी आप लोग सेट एग्जाम के थ्रू या फिर डायरेक्ट आप BBA BCA में एडमिशन ले सकते हो। अभी बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम व्हिच इज MCA, तो इसमें टोटल 40 इंटेक कैपेसिटी है, तो आपको JECA देना होगा या फिर आपने BCA BSc करके रखा है या BCom करके रखा है तो भी, या फिर BTech करके रखा है तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बट JECA एग्जाम आप लोगों को बिल्कुल देना पड़ेगा जो WBJEE भी कंडक्ट कराता है हर साल। नाउ कमिंग टू लास्ट प्रोग्राम व्हिच इज MTech, तो MTech आपको डेटा साइंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी देखने को मिलेगा, 30-30 करके इंटेक कैपेसिटी है, तो इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जो BTech करके रखा है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी पूरा लिखा है आप लोग जाके देख लेना, BE BTech CSE IT में ऑफ या फिर MSc कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में करके रखा है तो आप लोग बिल्कुल MTech में एडमिशन ले सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी कोर्सेज में जितने भी स्कॉलरशिप रह जाए वेस्ट बंगाल का स्कॉलरशिप हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, आपको सारा फैसिलिटी देखने को मिलेगा, जैसे कि SVMSM हो गया, WIKUSRI, VERSIS, WB Free C, बिहार का, झारखंड का स्कॉलरशिप, सब कुछ आपको इंक्लूडेड देखने को मिलेगा। सो नाउ कमिंग टू फीस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज, तो BTech फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो उस केस में आपको एडमिशन के टाइम 69,000 रुपीज पेमेंट करना होगा और बाकी से में 44, 45, 46 एंड 47,000 आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। नाउ BTech लेटरल में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो 69,100 आपको एडमिशन के टाइम पेमेंट करना होगा और बाकी से में 45, 46 एंड 47 आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है।
MCA में फर्स्ट सेम में 75,000 पेमेंट करना होगा एंड सेकेंड थर्ड में 50-50 करके आपको पेमेंट करना होगा। सेम MTech में 75 आपका एडमिशन फीस जाएगा, बाकी सेम में 50,000 आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। क्योंकि कॉलेज में 3-4 साल बिताने के बाद आपके पास अगर प्लेसमेंट ही नहीं रहता है तो पढ़ने का क्या फायदा है ना। आप लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका तो कुछ रिटर्न बनता है, जो हम बोलते हैं ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी आप लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया कितना रिटर्न आएगा, तो चलो देख लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जेन्युइनली WBJEE का रिकॉर्ड की ओर बात करता हूँ। तो WBJEE रिकॉर्ड में ये बताया गया है 2022 में 94.94% स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल गया था, मैक्सिमम सिलेक्शन गया था 15 लाख, एवरेज जाता है 5.56 लाख पर एनम। 21 में 79% हो गया था, हाईएस्ट गया था 22 लाख एंड एवरेज गया था 4.89। 2020 में 83 गया था, हाईएस्ट गया 13.32 लाख और एवरेज गया था 5.94 लाख। तो ये WBJEE का एक्चुअल रिकॉर्ड है। अभी हम लोग थोड़ा डीपली बात करेंगे कि एक्चुअली का इतना प्लेसमेंट जाता है, तो एक चार्ट के वजह से हम लोग समझते हैं। तो ये देखो चार्ट, तो इसमें आप लोग देख सकते हो 2020-21 जो एकेडमिक ईयर था 79% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया था, 2020 सेशन का 94, 2023 का 79, और इतना आप लोग प्लेसमेंट देख सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल्स के साथ कि क्या क्या प्लेसमेंट गया था 2020-23 का। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में सारा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बताया गया है, जो मैं देख के इम्प्रेसिव हुआ हूँ। अच्छा खासा ये रिकॉर्ड है, बट ये कितना जेन्युइन है वो मुझे भी नहीं पता। बट जो रिकॉर्ड बताया गया है, बहुत सारे कॉलेज में ये रिकॉर्ड लिखा रहता है विदाउट एनी स्टूडेंट नेम, बट इसमें स्टूडेंट नेम इंक्लूड किया गया है एंड कौन कौन से कंपनी में गया था और कितनी सिटीसी आया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसमें मेघा कुमारी IBM में गया था, 11 लाख पर एनम सिटीसी गया था। IBM में 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गया था। ओके, अंकुर, कृतिका, श्रेया, ठीक है, टोटल IBM में। उसके बाद जॉनसन कंट्रोल में 10 पॉइंट गया था, यानी LPA। उसके बाद बायजूस में, HSBC में, ओके, नोर्मा में। तो ये पूरा आप लोग चार्ट देख सकते हो। तो चलो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में एक बार जाते विजिट करते हैं। तो ये रहा कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें आप लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे 2022-23 MCA का कितना गया है, 2022 सेशन का, 21-20 का। तो हम लोग लेटेस्ट देखेंगे 2023 का, ठीक है। सो इसमें मैंने जो आप लोग कुछ देर पहले दिखाया वही इसमें लिखा है। देखो बायजूस, PWC, नीचे आ जाओ, PWC सबसे गया था, कृति आया था, कृति 7.2 गया था, ओके। देन मावेंटेक गया था, जिसमें 7 लाख पर एनम सिटी से गया था, ओके। CTS नेक्स्ट में 6.75 लाख, एक्सेंचर गया था, UI गया था, जियो में एक्सेंचर, उसके बाद चलो एक्सेंचर गया, ICRA गया था 4.33 लाख, CTS गया था 4 लाख, सबसे ज़्यादा आप लोग देखो CTS में प्लेस हो गया था स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा हुआ है। हेक्सावेयर में 4 लाख गया था, इन्फोसिस में 3.6 जैसे कि होता है, ओके। एंड उसके बाद द रॉयल रिसर्च में 1.96, सबसे कम गया था फ्लोटिंग चिप, जिसमें 1.44 लाख पर एनम सीरीज से गया था। यानी ओवरऑल जो प्लेस्ड हो गया था 469 स्टूडेंट प्लेसमेंट मिल गया था। तो मेरे ख्याल से जो डेटा मैंने देखा, चेक किया, उसके हिसाब से प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा ही है। बस इतने कितना सच है कितना झूठ है वो मुझे नहीं पता, बट मैं जो एक्चुअल रिकॉर्ड वेबसाइट पर पब्लिश हुआ वही मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ओवरऑल मैं अगर कॉलेज के ऊपर बात करूं, तो कॉलेज देखो उतना टॉप 10 में नहीं आता, कॉलेज एकदम एवरेज, यानी Tier 2 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। Tier 1 हम लोग नहीं बोल सकते, Tier 3 भी नहीं बोल सकते, Tier 2 में हम लोग इस कॉलेज में रख सकते हैं। Tier 1 में जैसे कि IIM हो गया, हेरिटेज हो गया, टेक्नोमेन हो गया, ठीक है, तो ये Tier 1 में आते हैं, ओके। उसके बाद मिडिल में आपका हो गया NIT, MSIT, NSCC, ये कॉलेज आ गया। तो उसके बाद मैं रख सकता हूँ टॉप 15 में इस कॉलेज में, रिकमेंड कर सकता हूँ, टॉप 10 में नहीं बट टॉप 15 में इस कॉलेज में मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि अगर आप लोग कोई एवरेज फीस में अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे थे, तो मेरे ख्याल से दिस कॉलेज इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओवरऑल मेरे ख्याल से बेस्ट कॉलेज है, आप लोग जा सकते हो। और अगर एडमिशन रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप लोग ज़रूर कॉल कर लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प कर दूंगा रिगार्डिंग एडमिशन, ओके। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।